हल्द्वानी की बात करेंगे जहां के काठ गोदाम हिड़ा खान सिमलिया मोटर मार्ग के एक साल बाद भी नहीं बना है। जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर अधिकारियों और सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों नेताओं ने सिर्फ इस मार्ग को निरीक्षण के लिए पिकनिक स्पॉट बनाया है, जबकि 200 गांव को जोड़ने वाला यह मार्ग एक साल बाद भी नहीं खुल पाया है। केवल वैकल्पिक मार्ग पर ही यहाँ की जनता निर्भर है, वो भी बारिश के समय में अधिकतर बंद रहता है। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरीश पनीरू ने कहा कि इस बार ग्रामीण केवल शांत बना और आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं, इस बार एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर, हमारी जो है सिमलिया सानी वाले लोगों की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि जिसके बारे में ये समझ लो कि रोड पर तालाब बने हुए और कभी भी कोई भी जानलेवा घटना हो सकती है। ये सरकार इसकी शोध नहीं ले रही। विधायक जी बार बार ये कह रहे हैं कि इस रोड के डामीकरण के लिए हमने जितने करोड़ स्वीकृत करा दिए हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। 14 नवंबर 2022 को हिड़ा खान सिमलिया सड़क धस गई थी, तब से लेकर आज तक लगातार अधिकारियों द्वारा, विधायक द्वारा, सांसद जी द्वारा और यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री द्वारा उस क्षेत्र को पिकनिक स्पॉट बनाया गया। उस सड़क पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और वन विभाग की भूमि हस्तांतरण नहीं है, इसलिए इन सब लोगों की जवाबदेही बनती है। और हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन, 200 गांव की सड़क है, 15 दिन बाद हम घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत